The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. What are anti-nuclear antibodies? Anti-nuclear antibodies, ANA test, is basically one of the most commonest tests which is done for autoimmune diseases. Okay? So, ANA test may we look for antibodies in your blood. खून के अंदर anti-nuclear antibodies, ये वो antibodies हैं जो आपकी immune system अपने ही cells, अपने tissue, organ को by mistake attack करती है उनसे और healthy लोगों में ये नहीं होनी चाहिए. अगर वो ना के बराबर होती है और अगर antibodies basically protein होता है. ये वो protein है जो immune system बनाती है आपके अटैक के लिए प्रिपेयर करने के लिए, मिसाइल्स कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए. सो एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज हम देखी जाती है. क्यों करते हैं? कई सारे एंटी ऑटोइम्यून बीमारियों को डिजीज डायग्नोस करने, जैसे कि हड्डियों में रूमेटिक आर्थराइटिस, सिस्टमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसिस, जहां सारी पार्ट्स से बॉडी में, स्किन में स्क्लेरोडर्मा या ड्राई स्किन होती है, सेजोर्जिन सिंड्रोम जो कि रेयर है, लेकिन इन सब के लिए भी ANA का टेस्ट किया जाता है. ANA कौन कराएगा? जिसको फीवर है, जिसको थकावट बहुत होती है, जॉइंट पेन है, स्वेलिंग है, मसल पेन है, या फिर लाल रंग के पैचेस है बहुत सारे रेड शेप के. करेंगे क्या ANA में? खून का सैंपल लेंगे वेन आर्टरीज से विद अ स्मॉल नीडल, उसका टेस्ट होगा और वो टेस्ट आपको रिपोर्ट मिल जाएगी. कोई रिस्क है इसमें भी? खून का टेस्ट ले रहे हैं, सुई लगने का रिस्क है, वहाँ पे जलन हो सकती है, वहाँ दर्द हो सकता है. रिजल्ट का क्या मतलब? अगर पॉजिटिव आ गया ANA, उसका मतलब है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज है, तो आपको हो सकता है SLE हो सकता है वायरल इन्फेक्शन हो सकता है कोई रूमेटॉइड आर्थराइटिस वाली खतरनाक बीमारी भी हो. पॉजिटिव रिजल्ट मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई बीमारी हो. एक हेल्दी पर्सन में भी कुछ मात्रा में एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज हो सकता है, लेकिन कुछ बीमारियों में, मतलब कुछ दवाओं से एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज बढ़ सकते हैं और ANA, लेकिन ज़्यादातर ज़्यादा है तो, और प्लस सिम्टम है प्लस हमें लग रहा है वो बीमारी है, तो फिर पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है. एक डॉक्टर के एनालिसिस पे डिपेंड करता है, राइट. सो ANA ज़्यादातर ये टेस्ट रूमेटॉइड आर्थराइटिस, हड्डियों में जॉइंट पेन्स के लिए या SLE के लिए किया जाता है. उसमें फिर हड्डियों के लिए अगर किया जा रहा है तो रूमेटॉइड फैक्टर, CRP, ESR इनके साथ करा जाता है. सो यही बात आपकी ANA की. आई होप यू गॉट द जिस्ट. ANA इज डन जस्ट टू सी वेदर यू हैव एनी काइंड ऑफ इम्यून सिस्टम प्रॉब्लम, ऑटो इम्यून डिजीज, एंड ANA इज एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी. सो यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस नाउ.